रादौर के गांव कांजनो में ग्रामीणों ने चिकन प्रोसेसिंग फैक्ट्री के विरोध में बैठक कर बनाई रणनीति, किया प्रदर्शन। रादौर के गांव कांजनो में शनिवार को गांव में बनाई जाने वाली चिकन प्रोसेसिंग फैक्ट्री के विरोध में ग्रामीणों ने बैठक कर आगामी आंदोलन तेज करने की रणनीति बनाई। इस मौके पर ग्रामीणों ने सरकार व प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए यहाँ इस फैक्ट्री को न लगाए जाने की मांग की। संस्कृति बचाओ संघर्ष समिति के प्रधान जयप्रकाश कांबोज ने बताया कि आज की बैठक में क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने भाग लिया और 19 नवंबर को ही महापंचायत में सरकार के पास इस फैक्ट्री की NOC रद्द करने की मांग संबंधी भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि वे एक सप्ताह से यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनके पास न तो सरकार से कोई नुमाइंदा और न ही किसी प्रशासनिक अधिकारी ने उनके बीच पहुँच उनकी बात सुनी है, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष है। उन्होंने कहा कि यहाँ किसी भी कीमत पर इस फैक्ट्री को नहीं लगने दिया जाएगा। रादौर में हेमंत सेवा समिति द्वारा SK रोड पर स्थित कार्यालय पर किया गया नशा मुक्ति शिविर का आयोजन। रादौर में हेमंत सेवा समिति द्वारा शनिवार को SK रोड पर स्थित कार्यालय पर निशुल्क नशा मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में समिति द्वारा 50 लोगों को नशा छोड़ने की दवा दी गई। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष डॉक्टर ऋषिपाल सैनी ने कहा कि समिति द्वारा नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत समिति अब तक सैकड़ों लोगों को नशा छुड़ाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य कर चुकी है। उन्होंने कहा कि आजकल युवा वर्ग में नशे का बहुत ज्यादा प्रचलन बढ़ गया है, जिसको देखते अब समिति द्वारा स्कूल कॉलेजों में भी सम्मेलन का आयोजन कर नशे से होने वाले नुकसान बारे छात्रों को जागरूक किया जाएगा। रादौर के गांव कुमथला के सरकारी स्कूल में बच्चों ने मिलन कार्यक्रम के तहत किया महाराजा अग्रसेन स्कूल का दौरा। महाराजा अग्रसेन स्कूल कुमथला में शनिवार को हरियाणा शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्देशित मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मिलन कार्यक्रम कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के बीच किया गया, जिसके तहत सरकारी स्कूल कुमथला के बच्चों व स्टाफ सदस्यों ने महाराजा अग्रसेन स्कूल का दौरा किया, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं भी करवाई गई, जिसके अंतर्गत बच्चों ने अपने आप को एक दूसरे से अवगत करवाया। इसके अलावा बच्चों ने स्कूल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम और साइंस लैब का भ्रमण किया। इस अवसर पर स्कूल के प्रबंधक डॉक्टर सुदेश बंसल ने सभी बच्चों को उनके भावी भविष्य के लिए प्रेरित किया। रादौर के दून पब्लिक स्कूल द्वारा बच्चों को करवाया गया रादौर नगरपालिका का भ्रमण। शनिवार को दून पब्लिक स्कूल द्वारा बच्चों को एक दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया, जिसके तहत स्कूली बच्चे रादौर नगरपालिका पार्क में पहुंचे और खूब मस्ती की। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करवाया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल रेखा कांबोज ने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियों से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है, बच्चे आपस में मिलजुल कर और समस्याओं का समाधान करना सीखते हैं। उन्होंने कहा कि शैक्षिक अध्ययन के साथ साथ स्कूल में शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भी इस प्रकार की गतिविधियां समय समय पर करवाई जाती हैं।